हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राधा रेसिपी में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज स्प्रिंग रोल, जो खाने बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी चाइनीज चीज़ तो बच्चे या बड़े हो सबको ही बहुत पसंद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, इसके बाद उसका डो तैयार करेंगे। और स्प्रिंग रोल की हम सबसे पहले स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने एक फ्राई पैन रखा हुआ है और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल, जो छोटी वाली चम्मच है। गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 इंच अदरक का है, ये भी बारीक कटा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मैंने ली है 2 हरी मिर्ची, इसको भी बारीक काट लिया है। अब इसमें कुछ हम वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम प्याज, और मैंने 1 प्याज लिया हुआ है, इस तरह का पतला छल्ले वाला काट लिया है। तो हम प्याज को डाल देते हैं और इसको भूनते हैं। थोड़ा हल्का सा ब्राउन करना, मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। देखिए प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले डालेंगे हम 1 शिमला मिर्ची, ये मैंने बारीक काट रखी है। 2 से 3 गाजर है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, मोटा वाला कद्दूकस से। और 1 कप लिया है मैंने पत्ता गोभी, इसको मैंने लच्छेदार ये लंबा लंबा काट रखा है। 1 लिए है रेड वाला शिमला मिर्ची, अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत हल्का सा पकाना है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच से कम नमक या टेस्ट अनुसार। 1/2 चम्मच डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच डालेंगे हम विनेगर। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए अच्छे से थोड़े से ब्राउन भी हो चुके हैं, थोड़े अच्छे से पक चुकी है ये। अब मैंने लिया है कॉर्नस्टार्च 1 चम्मच। तो मैं इसमें 1 चम्मच, आप चाहो तो उसे पानी में घोल के डाल सकते हैं इसमें, और आप चाहो तो इसमें सूखा वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सूखा वाला डालूंगी, क्योंकि होता क्या, जो भी पानी होगा कॉर्नफ्लोर पूरा सोख लेगा, तो इसलिए हम 1 चम्मच इसमें सूखा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर हम पानी में मिक्स करके डालते तो होता कि और गीला हो जाता। अब जो भी है वो पानी सोख लेगा इसमें, और बिल्कुल ये ड्राई कर देगा स्टफिंग अच्छे से। देखिए स्टफिंग पूरी तैयार है। अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, जब तक हम स्प्रिंग रोल का डो तैयार कर लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए स्टफिंग इसमें प्लेट में निकाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो देखिए अब स्प्रिंग रोल का हम डो तैयार करते हैं। तो मैंने 200 ग्राम मैदा ली हुई है ये। इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम कॉर्नस्टार्च, ये 20 ग्राम है वेट में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच, और अब डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच ऑयल। अब एक अच्छा सा हम डो तैयार करते हैं। और इसको देखिए मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और ये जैसे पराठे या पूरी का डो तैयार करते हैं उस तरह डो तैयार करेंगे। देखिए ये डो तैयार है, इसको हम थोड़ा चिकना कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हल्का सा, और इसको हम थोड़ा अच्छे से चिकना कर लेते हैं। देखिए हम इस पे चकले पे अच्छे से चिकना कर लेते हैं।
और गैस ऑन कर देते हैं। मैंने ये फ्राई पैन रखा हुआ है, अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो आप सादा तवा भी ले सकती है, जो रोटी बनाते हैं रोज का उसको भी ले सकते हैं। उसको भी उसमें थोड़ा सा तेल और प्याज लगाएं और उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दें तो बिल्कुल नॉन स्टिक जैसा ही हो जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। तो मैंने नॉन स्टिक तवा ले रखा है और गैस ऑन कर देते हैं। मैदा को हम और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मसल देते हैं। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे इस तरह, और इस तरह लोई बना के रख देते हैं। और हमें एक रोटी की तरह बिल्कुल पतला सा बेलना है। इस तरह सारी लोई बना के रख लेते हैं। अब एक लोई लेंगे और हम इसको रोटी की तरह पतला बेलेंगे। देखिए मैंने इस तरह रोटी सी बेल ली है, ये पतली सी, देखिए बिल्कुल पतली है। अब मैं एक रोटी और बेल लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों रोटियां बना ली हैं, एक इस तरह बना ली है और एक ये वाली बना ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा, क्योंकि ये आपस में चिपकना नहीं चाहिए, अगर चिपक गई तो फिर क्या टूट जाती है पूरी। और इसके ऊपर रख देंगे ये वाली रोटी और हल्के हाथ से बेलना, हमें ज्यादा टाइटली नहीं बेलना है इसको। थोड़ा सूखा मैदा लगा के हम इसको बेल देंगे। और अब हम इसी तरह पूरी रोटियां बेल लेंगे। और अब मैंने रखा है गैस पे नॉन स्टिक तवा और फिल्म को मैंने लोई रखा है और इसको मैं इसमें डाल दूंगी गैस के, इस पे नॉन स्टिक तवा पे डाल देती हूँ। देखिए मैंने नॉन स्टिक तवा पे डाल दिया ये, और बिल्कुल गैस को फिल्म को लोई रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो ये बस थोड़ा सा पक गया और मैं इसी तरह सारी रोटियाँ बना के रख लेती हूँ। और अब इसको हम पलट देते हैं थोड़ा सा हल्का सा, बस हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। और देखिए ये तैयार है मेरी स्वीट्स, देखिए स्प्रिंग रोल की स्वीट्स तैयार है। अब हम क्या करेंगे, एक टॉवल लेंगे और इस तरह कपड़े पे इसको रखते जाएंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे, इसलिए हम कपड़े में इस तरह लपेट देंगे और इसको ऐसे ढक देंगे। देखिए सारी स्वीट बन चुकी हैं और मैंने आपको दिखाया था, हम इस तरह निकालेंगे एक स्वीट्स को, इस तरह ये दो दो चिपकी हुई है, तो हम इस तरह एक एक सीड्स को निकालेंगे। अब हम स्प्रिंग रोल तैयार करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दो चम्मच सूखी मैदा लेना है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और स्प्रिंग रोल चिपकाने के लिए हम थोड़ा गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए ये सीड्स निकालेंगे और बाकी के हम इस तरह ढक देंगे, तो इस पर रखेंगे हम स्टफिंग। देखिए ये स्टफिंग पूरी तैयार है और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इसको हम रखेंगे इसमें, हम इसको रखेंगे सेंटर में। हमें एक चम्मच रखनी है, और अगर आप बड़े बनाए तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम एक चम्मच रखेंगे। और इसमें लगाएंगे जो मैंने ये बैटर तैयार किया है, इसको लगाएंगे। इसको हम चारों तरफ लगा लेंगे। अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको दबाएंगे। बाकी की ये बैटर हम इधर भी लगा देंगे और इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे। हमें अच्छे से चिपकाना है इसको, नहीं तो होगा क्या, ये जब हम इसको तलेंगे तो ये निकल जाएगा। अब इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए ये हमारा स्प्रिंग रोल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा मैदा और लगा देते हैं
देखिए इसी तरह पूरे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेते हैं। देखिए सारे स्प्रिंग रोल तैयार है, अब हम डीप फ्राई करते हैं इनको। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसको हम एक डाल के देख लेते हैं इसमें। गरम तो बहुत अच्छे से हो गया है, हमें ज़्यादा हाई में नहीं सेकना है इनको, तो इसी तरह हम पूरे डाल देंगे। हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्प्रिंग रोल डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। अब इनको अच्छे से ब्राउन होने तक हम तलेंगे। देखिए स्प्रिंग रोल तैयार है और देखिए कितने अच्छे से ब्राउन भी हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल देते हैं। देखिए मेरे स्प्रिंग रोल तैयार है और प्लेटिंग करते हैं। देखिए मेरे बैज स्प्रिंग रोल रेडी है और खाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और बिल्कुल मैंने सरल तरीके से बनाए। अगर आप डो बना के बनाएंगे तो बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और कम समय भी लगता है, और अगर आप बैटर बनाएंगे तो बैटर में थोड़ा टाइम भी लगता है। कभी कभी होता भी क्या है कि कभी अच्छे से भी नहीं बनते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। तो ये आप डो से बनाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए और बच्चों को भी खिलाइए, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।